और बात करते हैं बड़ी खबर की। और आज देश को नई संसद मिलने जा रही है और बस कुछ ही देर का वक्त है, 7:15 बजे करीब प्रधानमंत्री पहुंचाएंगे नई संसद में और उसके बाद 7:30 बजे से पूजा अर्चना की शुरुआत हो जाएगी। तो बस कुछ ही देर का वक्त बाकी है, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं संसद भवन और कुछ ही देर बाद इसका उद्घाटन होगा क्योंकि 7:30 बजे से पूजा अर्चना की शुरुआत हो जाएगी। होना है, पूजा पाठ होना है, सेंगोल की पूजा की जानी है और उसके साथ साथ लगभग 15 मिनट का कार्यक्रम पूजा पाठ और हवन का चलेगा 7:45 से लेकर 8 बजे तक। और 8 बजे के बाद प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे इस नए पार्लियामेंट में। जो पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो नया पार्लियामेंट है इसके कैंपस में प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे सेंगोल के साथ। तमाम पुजारी होंगे जो तमिलनाडु से आए हैं, उनके मंत्रोच्चार करते रहेंगे और सेंगोल लेकर प्रधानमंत्री इस पार्लियामेंट के कैंपस में आएंगे और 8:20 पर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसी पार्लियामेंट में स्थापित करेंगे और जिस दिशा में हम लोग खड़े हैं, जो पूरब की दिशा में। तो रवि हमारे सहयोगी जो कि नए संसद भवन से यहां पर लाइव बताते हुए कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, जो यहां पर पुजारियों को बुलाया गया है, पंडितों को बुलाया गया है। और कल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल सौंपी गई और आज उसकी स्थापना है। तो हवन पूजन के साथ यहां पर अभी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री भी नए संसद भवन पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, नए संसद भवन पहुंच जाएंगे और 8 बजे करीब बताया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं रवि बता रहे हैं कि 8 बजे 15 मिनट का वक्त होगा जब पूजा अर्चना होगी और उसके बाद नई संसद में सेंगोल को लेकर पहुंचेंगे संसद भवन में। अंजलि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अंजलि देखिए, आज का दिन बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरह की हलचल हो रही है अभी? जी देखिए, बिल्कुल इस अभूतपूर्व पल के हम सभी साक्षी बन रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं ठीक संसद भवन की नई इमारत की तस्वीरें। ये शास्त्री भवन के इलाके में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत और भव्य ये इमारत है। सामने शान से आप देखेंगे कि किस तरह से नेशनल एम्बलम को जो है वो स्थापित किया गया है संसद भवन के ठीक ऊपर। और बेहद खास ये पल है, इसके साथ ही आप देखेंगे कि किस तरह से न सिर्फ ऐतिहासिक विरासत बल्कि आधुनिकता का भी इसमें समावेश है और यही वजह है कि इसे बेहद खास बना देती है। और इस पूरे पल को जिस तरह से डिजाइन, इस पूरी संसद को जिस तरह से डिजाइन किया गया है और किस तरह से आज पूरे विधि विधान और रीति रिवाज के साथ यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 7:15 बजने ही वाले हैं, 7:15 बजे का वक्त है जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक अभूतपूर्व पल तो है ही और इसके साक्षी हम बन रहे हैं, ये हमारे लिए भी बेहद गौरव की बात है। जी बिल्कुल साक्षी, गौरव की बात है। लेकिन अब हम अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि हम देख रहे थे तस्वीरें लगातार आ रही है हर एक जगह पर जो पुलिस चेकिंग कर रही है और फिलहाल किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है क्योंकि अब वक्त है प्रधानमंत्री के पहुंचने का लगभग। बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री के पहुंचने का बिल्कुल वक्त हो चुका है और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आसपास देखिए अब दूर तक एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है और इसके साथ ही भारी संख्या में आसपास के इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। जगह जगह पूरे रास्ते पर आज बैरिकेडिंग कर दी गई है और पहले ये एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई थी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से कि तमाम वो रास्ते जो आज न्यू दिल्ली इलाके के हैं और ख़ासतौर से वो सभी मार्ग जो कि संसद भवन की ओर आते हैं उन पर आज जो है वो नॉर्मल व्हीकल या अननेसेसरी व्हीकल इसको आने की इजाजत नहीं होगी, इसलिए लोग अपना ट्रैवल जो है वो उस हिसाब से प्लान कर लें। और इसके साथ ही साथ जगह जगह पर वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही है, आईडी कार्ड देखे जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई। और अब चूंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं तो उसको उस लिहाज से भी अब जो है चौकसी और ज्यादा बढ़ गई है, तो फिलहाल जो मूवमेंट है गाड़ियों का वो रुका हुआ है। जी अंजलि, एक बार जरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताइए दर्शकों को जिससे उनको आसानी हो जाए कि अभी देखिए 7:15 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, कितने बजे तक कितने क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी देखिए, जहाँ तक कार्यक्रम की बात करें तो आपने जैसे कहा कि 7:15 बजे प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, 7:30 बजे का वक्त है जब पूजा जो है वो शुरू हो जाएगी और तकरीबन 8:30 बजे तक ये जो कार्यक्रम है वो चलेगा पूजा का। और उसके बाद प्रधानमंत्री अन्य डिग्निटरीज के साथ जो है वो चैम्बर विजिट करेंगे, 9 से 9:30 बजे के बीच में प्रार्थना सभा होगी और उसके बाद जो
11:30 बजे से गेस्ट का आना जो है वो शुरू हो जाएगा और 12 बजे आप कहेंगे कि जो मेन कार्यक्रम है उद्घाटन का वो शुरू हो जाएगा। और इसके बाद 12:07 पे जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, 12:07 पे नेशनल एंथम यहाँ पर प्ले की जाएगी और सभी जो उसके बाद जो बिल्कुल अंजलि और अंजलि हमारी सहयोगी बता रही थी कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। तो आज का दिन ऐतिहासिक है और आज एक नया इतिहास बन रहा है क्योंकि आज नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही मिनटों बाद, यानी कि ज्यादा समय नहीं बचा है, 4 से 5 मिनट बाद नई संसद भवन में पहुंचेंगे और उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होगा वो हम आपको बताएंगे। 7:15 बजे मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रवेश करेंगे और 7:30 बजे पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। पूजा होगी 7:30 बजे और उसके बाद 1 घंटे तकरीबन ये कहा जा रहा है कि ये पूजा 1 घंटे तक चलेगी, यानी कि 8:30 बजे तक ये पूजा चलेगी और उसके बाद पीएम मोदी लोकसभा चैंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। आज बेहद ऐतिहासिक पल वो भी होगा जब श्रमजीवियों का यहाँ सम्मान करेंगे प्रधानमंत्री और वो पल भी काफी ऐतिहासिक होगा जब सेंगोल को लेकर स्थापित करेंगे, जिसको लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही थी।